हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए देखते अपना अगला स्टॉक कौन सा है। अपना अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो आज 4.5% डाउन फॉल दिया है। 4.5% डाउन फॉल देने के साथ साथ एक सपोर्ट पे अभी भी रुका हुआ है और ये सपोर्ट आज का नहीं बना हुआ, सपोर्ट बहुत दिन से ये बना हुआ है और ये 1 वीक 2 वीक से 2 वीक से इसी पे आके ये सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही सपोर्ट के नीचे ये 1350 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज करता है तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 1250 का, 1244 1250 का। सेकंड टारगेट रहेगा आपका 1180 का। जैसे 1180 क्रॉस करता है, 1180 क्रॉस करने पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, कोई भी सपोर्ट यहाँ पे वर्क नहीं करा है, आप सीधे 1070 के करीब में आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डाउन फॉल होने की संभावना है। बट देखा जाए तो अगर ये डेली कैंडल बेसिस पे ये 1350 के नीचे क्लोज करता तभी, अदरवाइज डेली कैंडल पर क्लोज करता तो आपका स्टॉप लॉस कितना रखेंगे। स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रखिए 1427, 1350 के नीचे क्लोज करता 1427 का स्टॉप लॉस रखिए और इसको ट्रेल करते जाइए। ये 1244 आएगा, फिर 1180 आएगा, 1080 तक आ सकता है क्योंकि आज बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा डाउन फॉल दिया है, निफ्टी भी डाउन फॉल दिया है। मैं भी डाउन फॉल डाउन ट्रेंड में मार्केट आ सकता है, इस पर नज़र बना कर रखिए। प्रॉफिट बुकिंग जरा प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, थोड़ा सा इस पर नज़र बना कर रखिए, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।